हाय फ्रेंड, मैं हूं आपका दोस्त संतोष कुशवा। आज हम पढ़ेंगे HTML। जब हम किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं, जैसे कि www.premdeepcatus.com, तो इस वेबसाइट में हमें जो कंटेंट दिख रहे हैं, इमेजेस दिख रही है, हेडिंग दिख रही है, मेन्यू बार दिख रहा है, सेक्शन दिख रहा है, कंटेंट दिख रहे हैं, इमेजेस दिख रही है, ये सभी वेबसाइट को जब हम डिज़ाइन करते हैं तो उसके लिए हमें HTML का कोड लिखना ज़रूरी होता है। अब HTML का कोड हम कैसे लिखेंगे, तो इसके लिए सबसे पहले हमें ज़रूरत पड़ती है एक एडिटर की, एडिटर जहाँ पर हम किसी भी HTML का कोड लिख सकते हैं। तो हम HTML का कोड लिखने के लिए नोटपैड का भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले नोटपैड ओपन करेंगे। नोटपैड ओपन करने के बाद इस नोटपैड के पेज को हम सेव कर लेते हैं। तो हमने इसे एक नाम दिया है, मैं इसे डेस्कटॉप पे भी सेव कर लेता हूँ और इसका नाम देता हूँ इंडेक्स। इंडेक्स नाम देने के बाद इसे का जो एक्सटेंशन होता है, हम नाम तो कुछ भी दे सकते हैं फ्रेंड, बट उसका एक्सटेंशन हमें हमेशा HTML में ही उसे सेव करना है। .html से ही इसे हम सेव करेंगे। ये मेरे डेस्कटॉप पे ऑलरेडी सेव है, तो मैं इसे रिप्लेस कर देता हूँ। अब हम HTML का स्ट्रक्चर देखेंगे। तो फ्रेंड, जब भी हम HTML का कोड लिखते हैं तो सबसे पहले हमें लिखना पड़ता है डॉक टाइप। अब डॉक टाइप क्या होता है फ्रेंड, जब भी हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो वेबसाइट में जो लिखे हुए कोड होते हैं, तो ब्राउज़र को वो कोड बताने के लिए कि यह कोड किस लैंग्वेज में लिखे हुए हैं, कौन उस लैंग्वेज HTML के कौन से वर्जन में लिखे हुए हैं, यह सब हमें यहाँ से डॉक टाइप से बताना पड़ता है। इसके बाद एक दूसरा टैग होता है HTML टैग। फ्रेंड, जब भी हम कोई टैग ओपन करेंगे तो उसे क्लोज भी करना होता है, तो स्लैश करके उस HTML टैग को हम क्लोज कर देंगे। इस HTML टैग के अंदर ही हम सभी प्रकार के कोड लिखेंगे, तो ये सब टैगिंग में कोड लिखाएगा। इसके बाद होता है हेड टैग। इस हेड टैग को भी हम क्लोज करेंगे। इस हेड टैग के अंदर एक टैग और होता है फ्रेंड, जिसे हम बोलते हैं टाइटल। टाइटल टैग, इस टाइटल टैग को भी हम सॉरी फ्रेंड इस टाइटल टैग को हम क्लोज कर देते हैं। और ये टाइटल टैग करता क्या है, पहले तो हम समझते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब हम कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, जैसे कि मैंने ये अभी ओपन करी है वापस premdeepcatus.com, तो इस वेबसाइट के टॉप पे, जो ब्राउज़र के टॉप पे जो हम देखते हैं टैब में, यहाँ लिखा हुआ बेस्ट कैटर्स इन उज्जैन। और तो ऐसा ही टाइटल हम अपनी वेबसाइट का देने के लिए हम अपने टाइटल टैग में उसका नाम लिखते हैं। तो मैं यहाँ पर अभी लिखता हूँ HTML ट्यूटोरियल, HTML ट्यूटोरियल। इसे सेव कर लेते हैं। इसे सेव करने के बाद हम इसे रन करके देखते हैं अभी ये टाइटल हमारी वेबसाइट पर जो हम बना रहे हैं उस पर शो हो रहा है या नहीं। मैंने इसे डेस्कटॉप पे सेव किया था index.html के नाम से। तो ये रहा मेरा index.html, इसे मैं राइट क्लिक कर ओपन विथ करता हूँ गूगल क्रोम में। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पर शो हो रहा है HTML ट्यूटोरियल। इसके बाद हम फ्रेंड वापस हमारे कोड पे आते हैं। हेड टैग के बाद हमें एक टैग और लिखना है, जिसे बोलते हैं हम बॉडी टैग।
जितने भी कोड जो भी चीज़ें हमें अपने पेज पे शो करानी है उन सारी चीज़ों का कोड हम बॉडी टैग के अंदर लिखेंगे। जैसे कि हमें इमेज शो करानी है हमारे वेब पेज पे, या फिर कोई कंटेंट शो कराना है, या कोई हेडिंग देना है, टाइटल देना है, तो जो भी हम हेडिंग या टाइटल देना चाहते हैं वो हम बॉडी टैग के अंदर लिखेंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैं अभी एक हेडिंग लिख रहा हूँ H1 से, H1 ओपन किया और H1 मैंने क्लोज किया। इस H1 के अंदर मैं एक हेडिंग लिख रहा हूँ संतोष कुशवाहा। इसको अब हम रन करके देखते हैं, इसको सेव किया और जो हमने हमारा वेब ब्राउज़र ओपन कर रखा था उस वेब ब्राउज़र में इसको, तो देखिए फ्रेंड यहाँ संतोष कुशवाहा शो हो गया। इसी प्रकार हम हमारे पेज में डिफरेंट डिफरेंट टैग के थ्रू वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में हम देखेंगे वेबसाइट को डिज़ाइन करने के डिफरेंट डिफरेंट टैग और कौन कौन से हैं। थैंक यू।